See, one of the most important thing that we need to keep in mind while doing the theory of AS-13 is कि सी AS-13 में हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, यानी कि वेरिएबल इनकम में आपका आ जाएगा शेयर्स आ जाएगा, जनरली हमने शेयर्स को डील किया है, और फिक्स्ड इनकम में आपका डिबेंचर्स आ जाएगा या बॉन्ड्स आ जाएगा या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आ जाएंगी, यानी कि जिस पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पर शेयर्स पे हम ये नहीं बोल सकते हमें डिविडेंड मिलता है, बट डिविडेंड इज समथिंग विच इज़ नॉट फिक्स बिकॉज डिविडेंड इज बेसिकली इट्स अ PNL अप्रोप्रिएशन, इट्स नॉट अ चार्ज। बट यहाँ पे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में जो हमें फिक्स इनकम मिलती है इंटरेस्ट के रूप में, वो इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रू करते हैं, लेकिन हम कभी भी डिविडेंड को अक्रू नहीं करते अंटिल अनलेस इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एज वेल एज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो बात याद रखने वाली ये है, AS-13 का हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ कि AS-13 का क्या स्कोप है, AS-13 क्या क्या कवर करता है। आज हम देखेंगे कि AS-13 क्या क्या कवर नहीं करता है। सो सी AS-13 डज कवर इंफॉर्मेशन अबाउट द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जैसे कि इंटरेस्ट और या फिर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज में डिविडेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, इट डज नॉट कवर द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सच इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यानी कि हमें बस इतना पता है कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली कब हम इंटरेस्ट को लीगली रिकॉग्नाइज करें, डिविडेंड को लीगली रिकॉग्नाइज करें, दैट इज कवर्ड बाय AS-9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो द स्टेटमेंट इज बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड इज नॉट कवर्ड अंडर AS-13 एंड इट इज कवर्ड अंडर AS-9, इट्स नॉट कवर्ड अंडर AS-13। दैट मीन्स यू डोंट नो वेन टू रिकोगनाइज, बट हाँ इतना पता है हम लोग AS-13 में बात करते हैं कि हाँ ये इनकम्स हैं, इसको रिकोगनाइज करना है AS-9 में। अच्छा, अगर हम लोग ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीजेस के थ्रू कुछ कमाते हैं तो ये वाली इनकम भी AS-13 में नहीं आएगी, इट इज़ जनरली कवर्ड अंडर AS-19। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स और लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, तो बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ इंश्योरेंस में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो हम नहीं करते एक्चुअली, यहाँ पे बात हो रही है एंटरप्राइजेस की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, तो बेसिकली द कंपनीज हु इन्वेस्ट इन सच द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और द रिटायरमेंट बेनिफिट वाले प्लान देने वाली कंपनीज, अगर हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट करते होंगे, तो उनकी इनकम की बात की जा रही है, तो वो AS-15 में आएगी, मतलब वो भी ये स्टैंडर्ड कवर नहीं करता। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स और रिलेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इतनी सारी डिफरेंट एंटरप्राइजेस की इनकम की हम बात नहीं करें, हम यहाँ पे एक सिंगल स्टैंडर्ड इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक दिमाग में आपको बात याद आती होगी कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेट्स से दैट यू हैव अ 2 BHK फ्लैट, ओके, यू हैव अ 2 BHK फ्लैट। नाउ यू ऑल्सो ओन अ बिजनेस, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, इधर दिस 2 BHK फ्लैट कुड बी यूज एज अ कैपिटल एसेट इन योर बिजनेस वेर यू आर रनिंग योर ऑपरेशन, इधर यू हैव ओपनड अ शोरूम और इधर यू हैव ओपनड एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, या फिर दूसरा चीज़ है कि आप इस 2 BHK फ्लैट को रेंट पे चढ़ाकर उस पर रेंटल इनकम कमा रहे हो। तो इवन दो AS-13 कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स, अब रेंट भी तो एक फिक्स तरह की इनकम हो सकती है, तो यू शुड बी हैविंग अ थॉट इन माइंड कि रेंटल इनकम कहाँ जाएगी फिर, इट शुड कम अंडर AS-13, सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो बेसिकली द स्टेटमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज वॉट, When you say that such an property is an investment property, it's an investment property when you are invested in a property or you have bought any property not for using it in the business but for earning some income, yani ki in simple terms rent. So whenever you hear this term investment property, so that does not mean that you are talking about that property which you are using in your business for day-to-day operations. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिडजी इंस्टीट्यूट, नाउ फिडजी का एक ब्रांच है इन एनी सिटी, नाउ दिस बिल्डिंग इज़ यूज फॉर रनिंग द कोचिंग और स्टूडेंट्स आर बींग टॉट हियर, नाउ दिस बिल्डिंग कैन नॉट बी सेड और क्लेम्ड बाई फिडजी एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वाई, बिकॉज सच बिल्डिंग इज़ यूज फॉर ऑपरेशनल पर्पजेज, इट इज़ यूज एज अ फिक्स्ड एसेट, if it won't be there where they will do the business, so this is something related to its operations. But if some property has been brought by Fidji which has been further rented to some other business aur wahan se Fidji gets rental income, so this rental income will not be incorporated under AS-13 but it will come under AS-10, and an enterprise holding investment property should account for them in accordance with the cost model. So if any business
holds any investment property, that means that business is earning rental income from that property, then the value of such investment property will not come under AS 10. Even the rental income will not be accounted under AS 10. Everything will be done as per the cost model. Sorry, rental income will not be accounted under AS 13. मतलब investment properties जो भी relation है, कुछ भी AS 13 में नहीं आएगा. It will be simply done as per the cost model AS 10.